यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है तो आप इसके लिए ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए इतने पार्ट में आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ड्रॉप डाउन माने एक तो एरो बना हुआ आ जाएगा, उस पे डेटा टाइप पे जाना है, ये डेटा टाइप दिख रहा है, यहाँ पर जा करके आपको मिलेगा यहाँ पे वैलिडिटी। वहां पर कुछ और मिलता था, वहां पर क्या मिलता था याद है, एमएस एक्सेल में वहां पर मिलता था डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर वैलिडिटी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वैलिडिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ एनी वैल्यू लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर जाइएगा और इसको बना दीजिए क्या, लिस्ट बना दीजिएगा, ठीक है। लिस्ट बना दिया, अब यहाँ पे आपको लिस्ट देनी है, ठीक है। किस तरह से लिस्ट देंगे, आपको नाम देना है ना स्टूडेंट का, यहाँ पे दे दिया राम, ठीक है, फिर एंटर किया, फिर यहाँ पर कर देते हैं श्याम, है ना, ये लिख दिया श्याम, फिर एंटर किया, फिर लिख दिया राजू, फिर एंटर किया, फिर लिख दिया सचिन, इसी तरह से नाम पूरा हम डाल देंगे, ठीक है। फिर एंटर करते हैं, फिर लिखते हैं सुहन, फिर एंटर करते हैं, फिर लिखते हैं रोहन, फिर एंटर करते हैं, फिर लिखते हैं रोहन, तो जितना आपको नाम चाहिए उतना लिखते हैं, ये ड्रॉप डाउन अपने आप ही बनती चली जाएगी, ठीक है, ओके कर देंगे, तो ये देखिए ये आ दीजिए, यहाँ देख रहे हैं ये ड्रॉप डाउन अपने आप बन गई है, बन गई ना, अब अपने आप नहीं बनाई, इतना सेलेक्ट करके बनाए तब बनाए, ठीक है, अब यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया, ये राम हो गया, फिर श्याम हो गया, जितना आपको चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया था केवल उतने ही पे ड्रॉप डाउन आएगा, उससे ज्यादा पे नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सचिन तक हो गया है ना, सुमन करना है, ठीक है, जैसे मोहन और एक और मोहन है, तो ये हो गया, हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आइएगा तो एट लास्ट रोहन है, अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर वो रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल सीखना ही ना है, ठीक है, तो रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगा लीजिए, सीखना ही ना है, तो रैंड बिटवीन फॉर्मूला आपको ये आजादी दे देता है कि हम यहाँ पर रैंडमली नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आइएगा तो आपको कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर वो रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगा लीजिए, सीखना ही ना है, तो रैंड बिटवीन फॉर्मूला आपको ये आजादी दे देता है कि हम यहाँ पर रैंडमली नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, रैंड बिटवीन, इस तरीके से लिख करके ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा, ठीक, और यहाँ पे कहानी ये कह रहा है कि बॉटम नंबर लिखिए, तो बॉटम नंबर मान लीजिए जो बच्चा चार नंबर पाएगा, सबसे कम पाएगा वो चार पाएगा, ठीक है, और जो बच्चा सबसे ज्यादा पाएगा 98 पा जाएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये आपका आ गया आंसर, है ना। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये सिंपली यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए और फिर यहाँ से चले जाइए, यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए और इसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके इसको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा हुआ है कि नंबर अपने आप चेंज हो जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, तो इसको कॉपी करके और यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे जाके इसको नंबर बना दीजिएगा, एक बार नंबर बना देंगे ना तो फिर ये चेंज नहीं होगा, बाहर क्लिक करेंगे, अगर आप डायरेक्टली ऐसा काम करते तो बाहर क्लिक करते तो ये चेंज हो जाता, लेकिन अब ये चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ टोटल कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका, सम का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना, तो ये सम का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ से पकड़िए और यहाँ तक आ जाइए, ठीक है, बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, काम हो गया आपका, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ये सब आ जाएगा, फिर एवरेज कर लेते हैं, ए बी जी ई आर ए जी, ठीक है, ये लगा दिया हमने, और यहाँ पर फिर यहाँ से सेलेक्ट करते हुए चले जाइए आप यहाँ तक, ठीक है, टोटल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, सेल एड्रेस आई क्या है, सेल एड्रेस के बारे में बहुत हम लोग बात कर चुके हैं पहले। अब यहाँ पर ग्रेड वाला सवाल है, तो एवरेज के आधार पर ग्रेड निकलेगा, यही तो दिक्कत हो रहा था ना, देखिए इफ से ग्रेड निकालते हैं, तो ये इफ लगा लिया हमने, पर एक बार एवरेज को पकड़ लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे कहना है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने के, 185 के, सॉरी 85 के, 85 के, तो 85 से अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा पाता है या उसके बराबर पाता है तो उसको हम दे देंगे डबल इंटर कॉमा में लिखेंगे एस, फिर डबल इंटर कॉमा क्लोज करेंगे, यानी सबसे बड़ा ग्रेड एस ग्रेड है, कॉमा देंगे फिर इफ लगाएंगे, यानी इसको कहते हैं इफ की नेस्टिंग करना, नेस्टेड इफ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फिर आप एवरेज को ही पकड़ेंगे, पहले वाले एवरेज को ही, देखिए एच टू सेल एड्रेस आ गया है, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब कहेंगे 75, कॉमा देंगे, अगर 75 या 75 से ज्यादा कोई पाता है लेकिन 85% से कम पाता है तो उसे मिलेगा ए ग्रेड, कॉमा देंगे, इफ लगाएंगे, इफ लगाने के बाद क्या कहेंगे हम, फिर इफ लगाएंगे जैसे ही, तो फिर यहाँ कहेंगे कि दिस एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, किसके, 65 के, कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम बी ग्रेड, 65 या 65 से अबव लेकिन 75% से कम पाएगा तो बी ग्रेड, ठीक है, फिर यहाँ पे इफ लगाइए, इफ लगा दिया, इफ लगाने के बाद हमको फिर यही कहना है कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, किसके,
किसकी बड़ी हो या बराबर हो, अभी हम कहां तक आ चुके हैं 65, तो 55 कर देते हैं, कॉमा देंगे, ऐसे कंडीशन में सी ग्रेड आएगा, डबल डॉट कॉमा क्लोज कॉमा, इफ करते हैं फिर से और फिर यहां पर एवरेज को कर लेते हैं सेलेक्ट, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या कहेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 50 के, लास्ट में इफ में ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है, ठीक है, तो यहां पर इसको डबल डॉट कॉमा ओपन कर लीजिए, ठीक, और यहां पर लास्ट में कहिए डी ग्रेड, आई इन सब में से कोई भी कंडीशन मैच ना करे तो अब तो ट्रू तो होगी, आप फॉल्स वाली कंडीशन दे देते हैं, लास्ट है ना, अब तो नेस्टिंग करनी नहीं है इसकी, तो यहां पर फॉल्स वाली कंडीशन दीजिए, ठीक है, तो फॉल्स वाली कंडीशन में दे देंगे फेल्ड, ठीक है, F A I L E D फेल्ड हो गया, अब जितना ब्रैकेट ओपन किया था उसी हिसाब से क्लोज करके और एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए इनको मिल गया सी ग्रेड, अपने आप मिल गया ना, अपने आप नहीं मिला, इतना मेहनत हुआ तब मिला, तो डबल क्लिक करिए गाइस, अब फेल है, ठीक है, अब इसमें देखिए कमाल सेल एड्रेस का, सेल एड्रेस का कमाल देखिएगा, अभी क्या कमाल है सेल एड्रेस का, यहां पर सबसे पहले तो एक बॉर्डर वॉर्डर बना लेते हैं, यहां पे जाकर के बॉर्डर वॉर्डर बन जाएगा, ये बन गया ना बॉर्डर, देखिए सब बॉर्डर बन गया है, देखिए अब इस पे, अब देखिए कमाल देखिए, यहां पर अगर मैं ये वाला देखिए, ये वाले रो को देखिएगा, ठीक है, इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, है ना, यहां पर देखिए इनको कम नंबर मिला है, यहां पे 6 नंबर मिला है, लेकिन ये 6 नंबर को हम 96 नंबर बना देते हैं, यहां पे लटा देंगे, ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो यहां पे 96 बना देते हैं इसको, या 97 कर देते हैं, 97, ठीक है, एंटर प्रेस करें, कौन सा ग्रेड है, ध्यान दीजिएगा कौन सा ग्रेड है, बी ग्रेड है ना, अपने आप बी में कन्वर्ट हो गया, अब ये 47 को यहां से हटाता हूं, और 47 को हटा करके क्या कर देते हैं, 97 कर देते हैं, ठीक है, तो यहां पर जैसे ही हम 97 करेंगे तो ये बी ग्रेड ए ग्रेड बन गया अपने आप, ये फायदा होता है, ठीक है।